नमस्कार, मैं नंदिनी आप सबका स्वागत करती हूँ समथिंग स्पेशल फॉर यू में। सर्दियों का मौसम मतलब सब्जियों का मौसम, और इस मौसम में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बहुत यूनिक सी रेसिपी जो है गोभी मंचूरियन। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए हम ले रहे हैं गोभी। इसे सबसे पहले हमें काटना है, इसके लिए हम इसके डंठल को हटा देंगे। और अब हमें इसे कुछ इस तरह से काटना है कि इसके जो फ्लावर्स हैं वो एक एक फ्लावर हमें पूरा चाहिए। तो हम इसके डंठल को इस तरीके से काटेंगे। और जो फ्लावर्स हम गोभी के ले रहे हैं ये बहुत बड़े साइज़ के नहीं होने चाहिए, ये हमें मीडियम साइज़ का चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि ये बहुत बड़े साइज़ का लग रहा है, अगर हम इसे डालेंगे तो ये जब हम इसे मैरिनेट करने के बाद फ्राई करेंगे तो ये फूल कर और बड़े हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें अगर आपको थोड़ी छोटी साइज़ की गोभी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो इस तरह से हम गोभी को पूरा पूरा निकाल लेंगे। सारी गोभी को हमने यहाँ पे काट लिया है। कुछ पीसेस हैं जो बहुत बड़े साइज़ के हैं, तो हम इन्हें बीच से इस तरह से काट लेंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़े साइज़ की गोभी नहीं चाहिए। ये वाली साइज परफेक्ट है। तो गोभी तैयार है, अब हम इसे धोकर अच्छे से साफ कर लेंगे। इसे धोने के लिए हम गर्म करेंगे पानी, और पानी में हम डालेंगे आधा चम्मच नमक। जब नमक पानी में अच्छे से घुल जाए और पानी गर्म हो जाए तो हम फ्लेम बंद कर देंगे, और जो गोभी हमने काट कर रखी है उसे हम इसमें डालकर 5 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देंगे, ताकि गोभी के अंदर से जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो बाहर निकल जाए। 5 मिनट जब हो जाएगी तो फिर हम इसे छानकर पानी से बाहर निकाल लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम गोभी को छानकर पानी से अलग कर लेंगे। ध्यान रखिए कि जब भी गोभी मंचूरियन बना रहे हों तो हमें गोभी को कभी भी बॉयल नहीं करना है। इसे 5 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगोकर छोड़ दें और उसके बाद इसे छानकर पानी से निकाल लें। और छानने के बाद हम इसे ठंडे पानी से भी एक बार अच्छे से धो लेंगे। गोभी को हमने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और पानी से भी छान लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। कॉर्नफ्लोर पाउडर की जगह आप चाहें तो इसमें मैदा भी डाल सकते हैं। और इसमें हम गोभी को अच्छे से कोट कर लेंगे। इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर पाउडर या मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब हम गोभी को मैरिनेशन में डिप करें तो गोभी मैरिनेशन में अच्छे से सेट हो जाए। इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर पाउडर या मैदा नहीं लगाएंगे तो गोभी मैरिनेशन को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करेगी, इसके ऊपर उसकी लेयर नहीं चढ़ेगी, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये अच्छे नहीं लगेंगे। तो अभी हम इसे रखते हैं साइड में और तैयारी करते हैं गोभी की मैरिनेशन की। मैरिनेशन बनाने के लिए हम एक बॉल में लेंगे 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर। मैदा और कॉर्नफ्लोर पाउडर हम इक्वल क्वांटिटी में ले रहे हैं। आप चाहें तो मैदा ज़्यादा और कॉर्नफ्लोर पाउडर कम भी ले सकते हैं। और इसमें इसकी क्रिस्पीनेस बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच राइस फ्लोर। अगर आप इसे क्रंची बनाना चाहते हैं तो इसमें पिसे हुए चावल का आटा ज़रूर डालें। अगर नहीं आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो चावल के आटे को स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। मैरिनेशन तैयार हो चुका है। जब भी आप मैरिनेशन बनाएं तो इसमें एक ही बार में पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें, इससे इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये सेम ही ठीक होगा, ताकि ये गोभी के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो मैरिनेशन तैयार है, चलिए अब हम गोभी को फ्राई करते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हमने रिफाइंड ऑयल को गर्म किया है। रिफाइंड ऑयल को हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म किया है। इसे बहुत ज़्यादा गर्म ना करें, क्योंकि हमें गोभियों को अंदर तक अच्छे से पकाना है। अब हम गोभी का एक पीस लेंगे और इसे जो मैरिनेशन हमने बनाया है उसमें अच्छे से डिप करेंगे, और इसे हम डाल देंगे तेल में इसे फ्राई करने के लिए।
इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम में कुक करना है और इसे हमें डालने के बाद एकदम से नहीं चलाना है, इसे थोड़ी देर के लिए पकने देना है, लगभग 30 से 45 सेकंड तक। गोभी जब एक तरफ से अच्छे से पकने लगे तो हम इसे पलटते हुए दूसरी तरफ से भी पकाएंगे। इसे बीच बीच में पलटते हुए हमें इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक पकाना है और ध्यान रखें कि इसे मीडियम टू लो फ्लेम में ही पकाएं ताकि गोभी अच्छे से अंदर तक पक जाए। गोभी का कलर अब चेंज हो चुका है, ये काफ़ी सुनहरे कलर के दिखने लगे हैं, बहुत प्यारा सा कलर दिख रहा है इनका। और इसे हमने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में पकाया तो ये अंदर तक पक भी चुके हैं, बाहर से ये बहुत क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसे तेल से निकाल कर टिश्यू पेपर में रख लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल आ गया हो वो उसमें से निकल जाए। और इसी तरह हम बाकी की गोभियों को भी तल कर तैयार कर लेंगे। मंचूरियन को हमने तल कर तैयार कर लिया है, अब हम इसके सॉस की तैयारी करेंगे और इसे कोट करेंगे इसके सॉस में। मंचूरियन का सॉस बनाने के लिए हमने उसी कढ़ाई में तेल गर्म किया है जिसमें हमने उसे तला था और इसमें से हमने जो एक्स्ट्रा तेल था उसे कम कर दिया है। अब जब तेल गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे बिल्कुल बारीक कटे हुए या ग्रेट किए हुए लहसुन, 5 से 6 लहसुन की कलियों को हमने यहाँ पे ग्रेट कर लिया है। अदरक के 1 इंच के टुकड़े को हमने ग्रेट किया है और उसे भी हम इसमें डाल देंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 हरी मिर्च को हमने यहाँ पे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। और बिल्कुल छोटे टुकड़ों में कटे हुए प्याज, यहाँ पे हमने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को छोटे टुकड़ों में काटा है। इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और अब इनका कलर भी चेंज हो चुका है, ये गोल्डन ब्राउन दिखने लगे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच डार्क सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस और 1/2 छोटा चम्मच वेनेगर। हम इसमें 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस भी डाल रहे हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और सॉस को 1 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे क्योंकि हमने इसमें सोया सॉस डाला है तो उसे थोड़ा सा पकाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर का घोल। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर पाउडर और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे हम अच्छे से घोल लेंगे। जो कॉर्नफ्लोर पाउडर हमने घोल के रखा था उसे हम इसमें डाल देंगे, इससे इसमें थिकनेस आती है। इसे हम मिलाते जाएंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे। इसे हम 1 मिनट के लिए अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पे मंचूरियन बना रहे हैं इसलिए हम इसमें टोमेटो केचप या टोमेटो सॉस नहीं डाल रहे हैं। अगर आप इसकी ग्रेवी वाली चिल्ली बना रहे होंगे तो सारी प्रोसेस सेम रहेगी, बस आप इसमें टोमेटो सॉस डाल दीजिएगा। सॉस अब अच्छे से पक चुका है, इसमें अच्छा सा उबाल आने लगा है। अब जो गोभी हमने तैयार करके रखा है उसे हम इसमें डाल देंगे। मैं जो रेसिपी बता रही हूँ यहाँ पे मैं ड्राई मंचूरियन बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। अगर आप ग्रेवी वाली मंचूरियन बना रहे हो तो इसमें जब आपने कॉर्नफ्लोर पाउडर को घोल कर डाला था तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें और इसकी ग्रेवी बना लें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है और इसके हमने जो कोटिंग की उसमें भी हमने नमक डाला है, इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा नमक डालें। तो हमारी गोभी मंचूरियन तैयार हो चुके हैं। इसे फिनिशिंग टच देने के लिए मैं इसके ऊपर में डालूंगी थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़े से सफ़ेद तिल के दाने। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी गोभी मंचूरियन सर्व करने के लिए तैयार है। चलिए हम इसे सर्व करते हैं।